सो जानवी अंकिश हम ऑफिशियल कैसे हैं आप सब, आई होप अच्छे होंगे। तो काफ़ी टाइम बाद ब्लॉग शूट कर रही हूँ, थोड़ा मैंने ब्रेक ले लिया था ब्लॉग से, बट अब कंटिन्यू आपको ब्लॉग देखने को मिलेंगे। और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ अपना ज्वेलरी कलेक्शन, ठीक है? तो दिखाती हूँ आपको अपनी अपनी ज्वेलरी। तो गाइस मैं आपको दिखाती हूँ अपना ज्वेलरी कलेक्शन, बने रहिएगा ब्लॉग में। तो गाइस ये है मेरा ज्वेलरी कलेक्शन, हर एक चीज़ मिलेगी आपको। ये आपको ट्रेंडिंग में थे एक टाइम पे, ये देखो ये किए है, तनिक किए है, ये भी बहुत प्यारा सेट है। अभी आपको ऐसा लग रहा होगा बट पहन के दिखाऊंगी तो बहुत अच्छा लगेगा। ये देखो ये ब्राइडल सेट है गाइस, अभी दिखाती हूँ आपको ये पूरा ढंग से। देन इसमें कुछ गोल्ड कलेक्शन है, बाकी इसमें मेरे ये सिल्वर एंड गोल्ड वो है बिछुए। देन ये झुमके हैं, ये भी कुछ ऐसी झुमकियाँ हैं, ये बड़ा साइज़ है झुमकियों का। ये मेरे कुछ मंगलसूत्र वगैरह हैं जो काम आते हैं, जिनकी मैं ना ये होती है ना ये अदल बदल के छोटे बड़े करती रहती हूँ। बाकी ये भी एक चैन सेट है पूरा ऐसा। बाकी ये राजस्थानी मांग टीका है, ये कुछ ऐसी अंगूठियाँ हैं बहुत अच्छी लगती है पहन के। ये है कुछ वाले तो गाइस मैंने यूज़ ही नहीं करी है, पता है? ये वो एक टाइप पे चलते थे साड़ियों में पीछे झुमके वाले लगा के, ये वो हैं। ये भी कुछ झुमकियाँ हैं, ये झुमके तो आप लोगों ने देखी होगी एक आधी वीडियो पे। ये नहीं कैसा लगेगा कलेक्शन ज़रूर बताना। ये एक झुमकी ये है जिस टाइप में है, पाँच शिफ्ट में, ये ओल्ड कलेक्शन है मेरा, सेट से लगाया हुआ है मैंने। बाकी मैं आपको नेकलेस वगैरह दिखाती हूँ छोटे छोटे। तो गाइस पहला सेट है ये, ऐसा लग रहा है बहुत ही प्यारा सेट है, डायमंड सेट जिसे बोलते ना वो है ये। इसके लिए कान की अरिंग भी है, एक सेट ये है, ये भी बहुत प्यारा सेट है, इसके रिंग भी बहुत सुंदर है छोटे छोटे। अभी सिद्धार्थ सोया है तो मैं ब्लॉक कर पा रही हूँ। प्यारे प्यारे छोटे छोटे चैन सेट में है, ये भी आपने कई बार वीडियो पे देखा होगा ऐसे वाला है, ये देखो है ना प्यारा। इसके रिंग ना थोड़ा लॉन्ग थे तो मुझसे टूट गए तो शॉर्ट कर दिए मैं, ये रहे। एक सेट ये है, ये है गाइस इसके साथ के पैंट ऐसे हैं। ये पहले चलते थे ना कुर्तियों पे, ये वो है। बट इसके कान के ऐसे हैं कुंडे वाले, तो मेरे से नहीं पहने जाते। मुझे सिर्फ ज्वेलरी लेके रखने का शौक है, पहनने का शौक बिल्कुल नहीं है। जितना मुझे गोल्ड पहनने का शौक है उतना मुझे आर्टिफिशियल ज्वेलरी पहनने का शौक बिल्कुल भी नहीं है गाइस। एक सेट ये है, ये बहुत प्यारा है, ओह माय गॉड, कोई ना टाइम देंगे। ये देखो कुछ ये प्यारे प्यारे झुमके हैं, झुमके हैं ये हैं, गोल्डन है, गोल्डन यूनिक है, सब पे चलते हैं गोल्डन। ये ग्रीन है, तो बहुत कम पहनती हूँ, बहुत कम, ये उससे बड़ा साइज।
कैसा लग रहा है ज़रूर बताना। ये ब्लैंक घूम के ये गोल्डन घूम के कुछ स्ट्राइप के भी हैं, कुछ ऐसे हैं, कुछ ये हैं। ये मेरा टोटली वो है कमर दर्द हो रही है ब्लॉक शूट करते करते। एंड ये है गोल्ड कलेक्शन में, गोल्ड कलेक्शन अलग से लाऊंगी। अगर इस ब्लॉग में कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा आए तो गोल्ड कलेक्शन के लिए तो मैं आपको दिखाऊंगी अपना गोल्ड कलेक्शन। ये पहले चलते थे देखो झूम के, ये है किसी में भी पहन सकते हो आप इसे, जींस में, कुर्ती में, ड्रेस में। इसको आज ही मैंने सेट करा है अपना ज्वेलरी, स्पेशली इयर रिंग बॉक्स बनाया मैंने इसको अपना। इसमें सारी इयर रिंग्स वगैरह रहेगी मेरी, सारी इयर रिंग्स वगैरह रहेगी इसमें, मिक्स भी नहीं होगा है ना, थोड़ा बहुत मिक्स हो रहा है। पहले मैं दिखाती हूँ आपको अपने छोटे छोटे सेट, फिर दिखाऊंगी आपको अपने बड़े बड़े सेट। ये छोटे ये हैं, ये भी बहुत प्यारा सेट है, इसके भी एयरिंग नहीं मिल रहे हैं, पानी कहाँ रखी है, अदरवाइज ये भी बहुत प्यारा सेट है। ये देखो ऐसे जो दिखा रही हूँ वो साइड रख देती हूँ, ना मिक्सअप हो जाते हैं। ये कुछ सेट मैंने अपने भाई की शादी में साड़ियों में वेयर किए थे, बहुत ही अच्छे, बहुत ही यूनिक लग रहे थे, तो उधर पड़े हैं, एज इट इज रख देती हूँ। ठीक है, इसके एयरिंग बहुत सुंदर है, छोटे छोटे, मुझे ज़्यादा हैवी एयरिंग पसंद भी नहीं है। एक है ये पहले चलते थे इस टाइप के, लोगों बहुत सुंदर लग रहा है, इसके एयरिंग भी बड़े हैं, भी है। आधे ज्यादा मुझे ज्वेलरी पता ही नहीं है काफी मेरे पास क्या क्या ज्वेलरी है, उनके लिए बॉक्स बनाया मैंने। ये तो बहुत पुराना हो गया मेरा, ये पहना था मैंने अपने रोके में, जो मेरा रुका होता याद है तुम्हें, है हाँ रेड साड़ी पे सेम इसके एयर रिंग ऐसे हैं। ये बहुत ही प्यारा क्यूट सा छोटे सा चैन सेट नहीं है, इनके लिए बॉक्स बनाऊंगी, कैसे लगता है रखूंगी इसमें। ये ब्रेसलेट है रिंग वाला, बट ये तो पुराना सा हो गया, बिना यूज करे गाइस ऐसे हो गया, नहीं पहना ही नहीं गया। ये देखो
से करते हैं, ऐसे रिंग वाला नहीं, नहीं कभी देखिए लिया था भाई की शादी पे। ये थे गाइस छोटे छोटे सेट मेरे सारे, अभी दो छोटे और हैं उनके लिए बॉक्स मिल रही किसके रखूँ। ये रखते हैं, ये वाला दिखा दिया मैंने आपको, ये रखती हूँ उस पर, सामान ना तो मिलता नहीं है और जल्दी। एक और था ना छोटा सेट, कुछ महंगा नहीं, एक ईयर नहीं है गई, आप वेस्टर्न ड्रेस में बहुत अच्छी लगती है। आती है बड़े सेट की बारी, वो है ऐसा, इसके इयररिंग मांग टिक्का सब है, ये इसके इयररिंग है, बस बैठना ये पहले चलते थे छोटे 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 से, वो है ये मेरे पति ने मुझे पहले ही गिफ्ट दे दिए थे कुछ सेट, ये देखिए ये पहले चलते थे पर जब से आए हैं ना मैंने ये यूज ही नहीं करा, एज इट इज रखे हुए हैं। ये सेट पहना है मैंने एक दो बार, ये भी बहुत प्यारा सेट है, ये बहुत अच्छा लगता है पहनने, ये देखिए गाइस दूसरा सेट है, ये बहुत ही प्यारा एंड हैवी एंड ब्राइडल सेट है, कान के भी हैं बहुत हैवी हो जाएंगे अगर पहन लिए तो, मेरे पुराने सी अटका दिया मैंने कान के अंदर ही, ये देखो गाइस मांगती कभी है, देखो गाइस कैसा लग रहा है, है ना अच्छा। तो फैमिली ये है सबसे ब्राइडल हैवी ज्वेलरी, अगर किसी को भी हरिद्वार से कभी ब्लॉग देखने हो शादी पार्टी वगैरह के लिए आप कुछ चाहिए ज्वेलरी तो आप बता सकते हैं, मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, कम चार्ज में अवेलेबल हो जाएगी। ये देखो बहुत ही प्यारी हैवी ज्वेलरी है, आपको बड़ा सेट चाहिए वो भी अवेलेबल है, ये देखो कैसी लग रही है, ड्रेस भी मैच हो रही है। तो गाइस ये है पूरा ब्राइडल सेट, ये ऊपर आपको स्टेप का मांग टीका मिल जाएगा, ये छोटा नेकलेस मिल जाएगा बहुत हैवी है, और ये आपको लॉन्ग मिल जाएगा, ये आपको इसके कान के मिल जाएंगे हैवी, ये देखो दोनों, और ये आपको बाजूबंद मिल जाएगा दो।
दोनों हाथ के बाजू बने हैं। कैसा लगा ज़रूर बताना। किसी को भी आपको चाहिए शादी पार्टी के लिए तो आप ले सकते हैं, कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। इसका बाजू बंद है, गाइस एक हैवी सेट ये था, ओह माय गॉड कपड़ा में नहीं पड़ा ये, ठीक है देन एक हैवी सेट है ये भी बहुत प्यारा है। तो ये गाइस ये मंकी का है, ये रिंग हैवी है और ये मैंने ऐसे अटका लिया यार। और ये है नेकलेस, बहुत ही प्यारा है ये भी। मैं आपको अपने ब्राइडल लहंगे और इनका एक बार और ब्लॉग दूंगी, ठीक है। तो उसमें से आपको जिसको भी चाहिए होगा रेंट के लिए, ख़रीदने के लिए, तो आप मुझे संपर्क कर सकते हो। तो गाइस ये था सब मेरा ज्वेलरी कलेक्शन, कैसा लगा आपको? आई होप कि पसंद आया होगा। ये सारे इधर छोटे सेट हैं ये सब, बाकी ये सब इधर बड़े बड़े सेट हैं। गाइज ये बॉक्स है ना, ये बॉक्स मैं लाई थी करिश्मा बाजार से, स्पेशली मैं ईयरिंग वगैरह रखने के लिए लाई थी। बट एक साल बाद अब इसमें मैंने वेयर की है सारी की सारी, वरना ऐसी पड़ी रहती थी। तो आपको कैसी लगी ज्वेलरी? आई होप कि पसंद आई होगी। तो आज का ब्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ और बहुत जल्द आपको अच्छे अच्छे ब्लॉग देखने को मिलेंगे। अगर चैनल पर अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। सो डू लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल जनवीन की शर्मा ऑफिशियल। बाय बाय, बहुत जल्दी मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। बाय बाय।